तो आ गए सभी लोग। तो क्या हाल है मेरे टीवीजी फैमिली मेंबर, उम्मीद करता हूँ आप सभी के हालचाल एकदम बढ़िया होंगे। जी हाँ, मेरा भी एकदम बढ़िया है। तो चलो यार, बिना कोई देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजों पे बात करने वाला हूँ। तो देखो यार, मार्च के अंदर जो है कोरोना वायरस इंडिया के अंदर घुसा था और उसके कारण जो है कि लॉकडाउन लग गया था और काफी ज्यादा लंबे समय तक चला लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें बहुत सारी ऐसे की गवर्नमेंट की तरफ से सूचनाएं दी जा रही थी हर प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उसी में से एक प्लेटफॉर्म है, वो है कॉलर ट्यून। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोरोना वायरस के कॉलर ट्यून के बारे में। तो देखो यार, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है और बहुत लोग ज्यादा ही तकलीफ में आ जाते हैं ये कॉलर ट्यून सुन के, और बहुत ज्यादा लोग एकदम पक जाते हैं यार ये कॉलर ट्यून सुन के। तो इसको किस तरह निकालना है कॉलर ट्यून से, तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप कोरोना वायरस कॉलर ट्यून। तो चलो यार, देख लेते हैं क्या क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में छोड़ के भागोगे तो आपको थोड़ा सा भी नहीं समझने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वकर्मा जी यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान का भंडार। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली कॉन्टैक्ट में जो भी कॉलर ट्यून से परेशान है कोरोना वायरस के उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज वगैरह और क्योंकि टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए, और उसके बाद बिल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे कर देना। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम कॉलर ट्यून की, कोरोना कॉलर ट्यून की। तो देखो यार, बहुत लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस कॉलर ट्यून से। आजकल क्या रहता है ना, जब भी किसी बंदे को अर्जेंटली कॉल लगाना पड़ता है या इम्पोर्टेंट कॉल रहता है अगर किसी बंदे को लगाना हो तो लेकिन उससे पहले टोन जाने से पहले यानी घंटी बजने से पहले जो एक कोरोना का जो कॉलर ट्यून है वो बजने लगता है कुछ इस तरह, आपको सुनाई दे रहा होगा। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढके, हाथों को। जी हाँ, इसी तरह का सुनाई देता होगा। तो इसी को किस तरह हटाना है तो वही मैं आपको बताऊंगा। और देखो यार, इस कॉलर ट्यून के अंदर जो खांसने वाला इंसान रहता है ना, वो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। मुझे भी बहुत बार इरिटेट किया है। और उसके बाद जो है कि अमिताभ बच्चन जी जो है कि वो भी कॉलर ट्यून में बोलते रहते हैं कि मास्क लगाइए, हाथ धोइए, ये वगैरह। ठीक है यार, दो तीन बार बता दिए, दिमाग के अंदर बैठ चुका है, अब सब लोग जो है उस नियम का पालन कर रहे हैं। बट लेकिन यार, जो है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज सामने आया था कि किसी आर्मी ऑफिसर ने जो है कि टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल लगा के बहुत ज्यादा झाड़ा था। उसने बोला था कि यार, जिसको कोरोना हुआ था और वही हमें क्यों ये एक सूचना दे रहा है, वो कैसे दे सकता है, वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाया है तो हम लोग को क्यों दे रहा है इतनी ज्यादा चेतावनी। तो इसी बात पे यानी वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। तो उसको सब छोड़ो, तो चलो वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। तो देखा जाए तो बहुत सारे आजकल टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क है, और उसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क है वो है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और जियो। तो इन्हीं सब में से किस तरह उस कॉलर ट्यून को हटाना है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले नेटवर्क की तरफ बढ़ते हैं, वो है एयरटेल कंपनी। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कोरोना के कॉलर ट्यून को बंद करने के लिए, इसमें बस एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको वो फॉलो करना है। और वो क्या है, आपको बस अपना कीपैड का यानी कि जो डायल पैड होता है उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पे जो है कि एक कोड डायल करना है, और वो कोड है *646*224#। बस आपको यही डायल करना है इतना, और उसके बाद जब कॉल लग जाएगा ना तो फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए एक दबाना पड़ेगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपका जो भी कॉलर ट्यून वाला सिस्टम है ना कोरोना वाला, वो बंद कर दिया जाएगा। तो दोबारा आपको एयरटेल के नेटवर्क पे जो है कि कॉलर ट्यून सुनने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था एयरटेल वालों के लिए। तो अब बढ़ते हैं अगले नेटवर्क ऑपरेटर की तरफ, जो है बीएसएनएल। तो देखो यार, इसका भी जो है कि एकदम सिंपल सा ही प्रोसेस है। इसके अंदर आपको बस क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डायल पैड ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बस आपको करना पड़ेगा कंपनी को मैसेज भेजना पड़ेगा, और वो मैसेज आपको किस पर भेजना पड़ेगा और कैसे भेजना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, आपको अपना मैसेज जो है कि जहाँ से सेंड करते हो वो ओपन कर लेना है, और जो मैसेज बॉक्स होता है उसके अंदर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है UNSUB। इसका मतलब हो गया अनसब्सक्राइब, लेकिन तुम लोग चैनल मत करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो लिखना है मैसेज बॉक्स में अनसब, और उसके बाद जो इसको आपको सेंड करना है, किस पे सेंड करना है, एक नंबर है 56700, इस पे जो है कि आपको ये मैसेज को सेंड कर देना है। जब सेंड हो जाएगा ना तो आपका जो कॉलर ट्यून है ना वो बंद हो जाएगा। और एक और एक्स्ट्रा नंबर है, अगर इस नंबर पे मैसेज सेंड नहीं होता है या आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं होता है तो दूसरे नंबर पे आप भेज सकते हो, वो भी सेम इसी तरह है 56799।
जी हाँ, तो देखो यार ये हो गया BSNL वालों लोग के लिए, तो मैं इतना ज्यादा तो देखता नहीं हूँ जो BSNL यूज करते हैं, फिर भी उन लोग के लिए अगर जो भी BSNL का नेटवर्क यूज करता है अगर वो कॉलर ट्यून से परेशान है तो ये वीडियो सिंपली उसको शेयर कर देना। और उसके बाद जो एयरटेल वाले को मैंने बताया, एयरटेल वाले क्या रहता है कि मोस्टली सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग हैं, तो उनको भी शेयर कर देना ये वीडियो को। तो अब बढ़ते हैं अगले नेटवर्क ऑपरेटर की तरफ। जो अगला नेटवर्क ऑपरेटर है वो है वोडाफोन कंपनी। जी हाँ, तो देखा जाए यार वोडाफोन का जो सर्विस वगैरह है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके जो सर्विस के जो चार्जेस है वो काफी ज्यादा हाई है। वोडाफोन को कॉलर ट्यून बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपना मैसेज बॉक्स ओपन करना होगा और वहां पे जाके टाइप करना पड़ेगा CANCT, इसका फुल फॉर्म हो गया कैंसल कॉलर ट्यून, और उसको सेंड कर देना है आपको 144 पे। और जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा और आपका जो कॉलर ट्यून है वो बंद कर दिया जाएगा। तो देखो यार ये भी एकदम ज्यादा हेल्पफुल है वोडाफोन नेटवर्क वालों के लिए, जो भी वोडाफोन का सिम कार्ड यूज कर रहे तो उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कर देना और उनको बता देना कि किस तरह से कॉलर ट्यून को डिसेबल किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो ये वोडाफोन वाले लोग के लिए हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले नेटवर्क ऑपरेटर की तरफ। जो अगला नेटवर्क ऑपरेटर है वो है जियो। जी हाँ, तो चलो यार देख लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है इसके कॉलर ट्यून को हटाने का। मोस्टली जितने भी कॉलर ट्यून हमें सुनाई देते हैं वो जियो कंपनी की तरफ से दिखाई देते हैं, यानी कि जियो के सिम पे ही ज्यादा सुनाई देते हैं। तो चलो यार इसको हटाने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो देखो यार जियो के कोरोना कॉलर ट्यून को स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मैसेज बॉक्स इसमें भी ओपन करना पड़ेगा और वहां पे लिखना पड़ेगा कैपिटल में स्टॉप, और उसके बाद आपको सेंड कर देना है एक नंबर पे 155-2233 पे, आपको बस इस पे सिंपली सेंड कर देना है। और जैसे ही ये मैसेज सेंड होता है तो आपका जो कोरोना कॉलर ट्यून है ना वो स्टॉप कर दिया जाएगा जियो कंपनी की तरफ से। तो देखो यार यही बस इतने रास्ते थे कोरोना की कॉलर ट्यून को रोकने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो कमेंट करके बता देना कि आपके लिए हेल्पफुल लगा कि नहीं, और इसके बाद इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के पास, चाहे वो कोई सा भी नेटवर्क ऑपरेटर यूज करने वाला हो, चाहे एयरटेल जियो उसके बाद वोडाफोन आइडिया उसके बाद BSNL, सभी के पास शेयर कर देना। और उसी के बाद जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली कॉन्टैक्ट में, और उसके बाद मुझे सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, खासकर इंस्टाग्राम पे @TechnicalVishwakarmaji है, तो भूलना मत जाके इंस्टाग्राम पे सिंपली जाके सर्च कर लेना और फॉलो कर लेना। और दोस्तों जो मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी, अगर आपको वीडियो नहीं देखी हो पिछली वाली बहुत सारी वीडियो जो कि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जाके मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट करना और वहां से सारे वीडियो को देख लेना, और उसके बाद टेक न्यूज का भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और जो है यहीं पे मैं वीडियो करता खत्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।